शिक्षा मित्र ने अपने ही पिता की कुदाल से मारकर कर दी हत्या। लोगों की बाइट आई सामने। बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शोभनपार गांव में पैसे के विवाद को लेकर कलुगी बेटे ने कुदाल से ताबड़तोड़ वार करके अपने पिता की हत्या कर दी। इस मामले में लोगों की बाइट सामने आई है, सुनिए आप भी। बताइए घटना कैसे हुआ, बताओ कैसे कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे घटना हुआ, क्या जानकारी है आपको? हम संडास हुए थे, संडास हुए कहे कि ये पैसा हमको दिया, ये जो पैसा भाग ले ले इनको पैसे जमा करो, कैसी चीज के ना जमा करो, तुम तारी ना बात जमा करो, पाँच साल के बारे में रहा। काबला ला दुआरे पे घर पे चढ़ के मारे थे, इसलिए काबला ला हम हयार कर दिए और उसके चलान काट दिए हैं, वो अभी हम सुले नहीं करी है शायद, और काबला ला आज भी कुछ हुआ नहीं है, आज खुदा काबला मैदान करे जात रहा ना, खेस चीज के आवत रही। मैदान करने के लिए कौन जा रहा था? ससुर हमरे, आपके ससुर? हाँ, ओकरे बाद मार रहना है। किस चीज से मारे हैं? कुदाल से। कुदाल से? हाँ, कुदाल से मारे हैं। कहाँ पे चोट लगी है, किस जगह? कुदाल किस पे लगा है, निकल गया है। अच्छा, सर फट गया है? हाँ, निकल गया है। कौन सा ये लड़ाई क्यों होती थी, कोई कारण इसका रहा होगा? रंजिश, ये लड़ाई इसलिए हो रहा है, धन के लिए हो रहा है। अच्छा, धन? हाँ, कि हम कर रहे दे धन। दो महीने पहले जैसा आपने बताया कि मार हुआ था, तो क्या कौन कौन थे, किस मुद्दे को लेकर मार हुआ था? डंडा लेके मारे रहना है। कौन कौन थे? रानू, भानू, सुधीर, गोलू। उसके बाद क्या हुआ था, आपने पुलिस को तहरीर दी थी? हाँ। तो क्या हुआ? अभी सुलह नहीं हुआ, हम सुलह नहीं करे। उन लोगों का चलान हुआ था उस समय? हाँ, चलान हुआ था, हमको धमकी दे रहे इसलिए हम सुलह नहीं करे हैं। उस समय पुलिस कार्रवाई की थी? हाँ। और आज क्या हुआ है? आज कुछ नहीं साहब हुआ है, नहीं है। वो काबला मैदान जा रहे थे, उनको कुदार से मार दिया, आज कुछ झगड़ा न टंटा कुछ नहीं हुआ था। कितने बजे का मामला है? 5:30। और कौन कौन मारे हैं? गोलू और भानु और सुधीर। सुधीर, तीन लोग मिलके मारे कि चार? तीन लोग। हेलो, उसमें हम बोल रहे थे कि हमारे बच्चे बिगाड़ रहे हैं, उसके बाद सभी लोग उनका बाप कहे कि हम 4 साल पढ़ाए, तब हमारे ससुर बोल दिए कि काबला ला 4 साल कौन घोंसड़ी वाला पढ़ाया है, इसलिए सब लोग मारे आए। कौन कौन? रानू, भानु, गोलू, सुधीर, ओकरे बाद उनका मेहरारू सुधीर का मारे आ गए नी साहेब, ओकरे बाद हम अपने ससुर के धकेल रही है, हम हो गई, ओकरे बाद हम मारे रहने मुँह में है कुल करिया हो गया, फाट गए हाल है, ओकरे बाद हम 8 बजे रात के थाने गए, थाने गई वहाँ से कुछ ना सुनाई फिर आई न दरोगा, ओकरे बाद हम गई अपने स्टेशन डाली, महादेवा डाली और बनकटी थाने डाली, रसूल डाली, काली साहेब कुछ सुनाई नहीं हो रहा है, लोग हर में धमकी दे रहे हैं मारने को, हम कहाँ ले भागे, उसके बाद तब साहेब 62 रहना है आज साहेब वो मैदान। उस दिन तो क्या यसु साहब ने आपके तहरीर पर कुछ कार्रवाई किया था क्या? नहीं नहीं साहब, बंद किए थे, चलान किए थे, कुछ चलान काट दिए थे, हम जब साहब सुल्ला नहीं करे तो चलान काट दिए। हाँ। यह नाते हम नहीं सुल्ले करे, सब दिन धमकी दे रहे थे तो इसलिए हम सुल्ला नहीं करे, तब ओकरे बाद साहब आज क्या हुआ फिर? आज साहब कुछ नहीं हुआ है, आज ये घटना घटित हुई है, आज साहब मैदान जा रहे थे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि काबला ला आर सी सी में 40,000 रुपया निकाले रहने साहेब। अच्छा। वो 80,000 हुआ था साल भर के पहले, उसके वह कहना कि आर सी सी पैसा जमा कर दें, ओकरे बाद वही पे कुदाल लेके मार देना है के? सुधीर, तीनों लोग। तीनों लोग? हाँ। तीन लोग में आज कौन कौन थे? चार लोग थे, आज तीन लोगों में क्या क्या नाम? रानू आज नहीं थे। अच्छा। हाँ, भानु, गोलू, सुधीर। तो ये घटना कहाँ पे हुआ? ओ वहाँ क्या जगह? ईटेक पास। वो क्या है, घर है किसका? यहाँ हमारे घर है, ये बनवा रहे हैं, आवाज पा रहे हैं। अच्छा अच्छा वहीं पे हुआ घटना? हाँ। उनको निशान हुई है। हाँ सर।